हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए सेकंड ब्लॉग लेके आई हूँ और सेकंड ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ अभी सुबह के 8:30 बजे से। तो दोस्तों, सारा काम करके निपटा चुकी हूँ और अभी बनाने जा रही हूँ एक सुंदर सा ब्रेकफास्ट। तो आई होप कि आपको ब्रेकफास्ट पसंद आएगा मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। तो देखिए, ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ मैं आज इसके। तो इसको देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा कि इससे आज इन गुटों से क्या बन रहा है। तो दोस्तों, आप भी बताना कि इन गुटों से आप क्या क्या ब्रेकफास्ट, क्या क्या डिश बनाते हो। तो जो भी बनाते होंगे आप प्लीज कमेंट से बताना, और मैं इसे जो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, आजकल भुट्टों का सीजन चल रहा है तो रोड साइड में सस्ते सस्ते में भुट्टे मिल रहे हैं, 50 के, 60, 100 के, 20, 25। तो आजकल खरीदो और खूब भुट्टे खाओ, उबाले खाओ और रोस्ट करके खाओ, नींबू करके खाओ, नमक लगा के खाओ और खूब खाओ, क्योंकि आज का सीजन है। तो बस सीजन पे, सीजन के हर चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारे सीजन के खाने चाहिए। तो आज फाइनली मैं भी भुट्टे लेके आई थी कल और बनाने जा रही हूँ इसकी सुंदर सी रेसिपी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। और चलिए दोस्तों, आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, स्किप मत करना, और मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं इनसे क्या बना रही हूँ। तो चलिए बने रहिए आप इसी तरह। तो दोस्तों चलिए देखिए, मैंने ये मक्की के दाने बिन के रख दिए थे और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कुछ अदरक के टुकड़े और कुछ हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च, और ये लहसुन, जीरा और एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा से हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा। आप तीखा कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। और सारी सामग्री हमारी तैयार हो गई है, अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं गाइस। तो पीस के ये हो गया हमारा बैटर बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस के लिए। तो ये डाल कर दिया मैंने दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र। इसमें थोड़ा सा मैंने आटा मिला लिया है, आप बेसन भी मिला सकते हैं। मैंने बेसन नहीं डाला है, मैंने आटा ही डाला हुआ है। आटे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छे बनते हैं, बेसन से भी अच्छे ही बनते हैं। बेसन के तो सभी बनाते हैं दोस्तों, कभी हमारे किचन में बेसन नहीं है तो हम आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, ताकि थिक रखनी है और ताकि ये टूटे ना और अच्छे से बाइंड हो जाए। तो देखिए, मैं मेरा फर्स्ट चीला बनने के लिए तैयार है, तवे पे चढ़ा हुआ है। तो आप भी इसी प्रकार, आजकल भुट्टे का सीज़न चल रहा है तो आप इसी प्रकार बना के अपने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा बनता है ये, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी बनाइए दोस्तों, और आप कैसे बनाते हैं मुझे बताना कमेंट्स में, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, तो लास्ट तक देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ, और ताकि आपके चीले टूटे ना। तो कई बोलते हैं कि हमारे चीले टूट जाते हैं, बट आप देखिए मेरा चीला सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो लास्ट तक देखिए, सारे चीले एक से बढ़कर एक हो रहे हैं, कोई भी चीला मेरा ख़राब नहीं हुआ है। तो आप भी ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया है, और इसकी जो ये बैटर बना रखा है इसको थोड़ा से गाढ़ा रखिएगा, पतला ना रखिएगा, पतले में टूट जाएगा ये। तो देखिए, मेरे सारे चीले बहुत अच्छे से बनके तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट्स करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मेरे सारे चीले बन के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए, सारे चीले मेरे ऑलमोस्ट एकदम से सब, और बहुत ही इजी रेसिपी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। कैसे बनाएंगे, हमें सिर्फ भुट्टे चाहिए होते हैं और भुट्टे में हम अपने स्वाद के अनुसार जो भी मसाले हैं वो डाल सकते हैं। तो देखिए, फाइनली मेरे सारे बनके तैयार हो गए हैं और बस मेरे दो चीले रह रखे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ बिल्कुल
स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों बनके बिल्कुल मेरा चीला हो गया है रेडी, और ये देखिए, और ये मैंने सर्व कर दिया है फैमिली के साथ। तो प्लीज़ आप भी इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।